स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। कुंडली भाग्य में प्रीता शौर्य शनाया के सगाई समारोह के लिए लुथरा हाउस पहुंचती है। शौर्य के तनाव को महसूस करते हुए वह उससे बात करके उसका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करती है। बाद में शनाया से मिलने की कोशिश करते समय प्रीता गलती से निधि और उसकी बहन से मिल जाती है। उनकी बातचीत को रोकने के लिए निधि की बहन अनजाने में उन्हें कमरे में बंद कर देती है। इसके बावजूद प्रीता रोका समारोह में शामिल होने का फैसला करती है। प्रीता को समारोह में शामिल होने से रोकने की कोशिश में निधि और उसकी बहन उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। करण और प्रीता के बीच टकराव से बचने के लिए लाइट बंद करने का सहारा लिया जाता है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इस बीच जब पलकी एक बक्सा निकालने की कोशिश करती है तो वह खुद को स्टोर रूम में फंसा हुआ पाती है। शौर्य उसका पीछा करता है, करीब आने की कोशिश करता है। हालांकि पलकी उसे राजवीर समझ लेती है और शर्म से प्रतिक्रिया करती है। आने वाले एपिसोड में राजवीर पलकी का नाम पुकारता है, जिससे उसके करीबी व्यक्ति पर संदेह पैदा हो जाता है। वहीं शौर्य छिप जाता है जबकि राजवीर पलकी के पास आता है। जैसे ही लाइट आ जाती है, शौर्य पलकी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने का मौका छुप जाता है और अनिच्छा से शनाया के साथ अपनी सगाई के लिए आगे बढ़ता है। आखिरकार रोका समारोह हो जाता है, जिससे शौर्य शनाया की सगाई पक्की हो जाती है। पलकी अभी भी स्टोर रूम में है, अपने आसपास होने वाली घटनाओं से अनजान है। यह शो अपने ट्विस्ट एंड टर्न से दर्शकों को बांधे रखेगा।